हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं या फिर CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग का एग्जाम कब होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर फ्री में CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग को कराई जाती है। इसके अलावा जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ करके फ्री में नवोदय की तैयारी भी कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग जान जाएं कि CHS एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 2024 में, वो किस दिन होगा, डेट क्या होगी एग्जाम की, यही हम लोग जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं सारी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, उससे पहले आप लोग देख लीजिए, ये है टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग आप लोग की क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग आ करके आप लोग एकदम से तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 9th वालों का क्लास का टाइम टेबल इधर दिया गया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चार चार क्लासेज इनके लिए हैं, बाकी 11th की अगर जो आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री में, ठीक है, फ्री क्लास टाइम टेबल है, देख लीजिए आप लोग। तो ये चार पांच क्लासेज इनके लिए दी गई है। ठीक है, इन पांचों क्लास को अटेंड करके आप लोग तैयारी अपना एकदम बेहतर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी चलिए जान लेते हैं अब हम, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजों को। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है एग्जाम डेट की कब कब एग्जाम इनका होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले 9th का दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है 11th का, सबका इस तरह से धीरे धीरे दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो बच्चे 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग का एग्जाम कब होगा, 29 अप्रैल को होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। टाइमिंग की बात की जाए तो 8 बजे से 10 बजे, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा आपको, 2 घंटे में पेपर देना रहेगा आप लोग को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जो बात की जाए 11th, वो भी 11th में चार चार वर्ग हैं, आप लोग जानते होंगे स्ट्रीम अलग अलग है। तो सबसे पहले मैथ वाला देख लीजिए, मैथ वालों का एग्जाम कब होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 30 अप्रैल 2024 को होगा। कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार। अगर जो टाइम की बात की जाए तो वही टाइम है 8 से 10। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद में बात की जाए जीव विज्ञान की, ठीक है, जीव विज्ञान वर्ग कक्षा 11, तो इनका एग्जाम क्या होगा, 1 मई 2024 को होगा। दिन कौन सा होगा, बुधवार, और कब होगा एग्जाम, 8 बजे से कितने 10 बजे तक होगा प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग कोशिश करिएगा एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, कि एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जाम जहाँ सेंटर है वहां पर पहुंच जाएंगे, एग्जाम जहाँ है स्कूल पर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा 2 घंटे पहले पहुंचने की। ठीक है, 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप लोग सही टाइम पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जानते हैं आप लोग बनारस एक ऐसा सिटी है जहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है, उस दिन तो एग्जाम है तो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग 2 घंटा 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप लोग सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे, तो 8 बजे जाकर के आप लोग थोड़ी ना तुरंत एग्जाम देने लगेंगे, उससे पहले रिपोर्टिंग होती है, अंदर एंट्री होती है, सिग्नेचर वगैरह होता है। ठीक है, सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। तो कोशिश करिएगा आप लोग 6 से 7 बजे तक एकदम अच्छे तरीके से सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कलावर्ग, कलावर्ग का एग्जाम कब होगा, 2 मई को होगा। ठीक है, 2 मई को होगा, कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम वही है 8 से 10। अगर जो बात की जाए वाणिज्य वर्ग कक्षा 11 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना, 3 मई 2024 को होगा। ठीक है, दिन कौन सा होगा, शुक्रवार, 8 बजे से कितने 10 बजे के बीच में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, टाइम यहाँ पर दिया गया है कि इस किस डेट को किसका किसका एग्जाम होगा, कौन कौन सी क्लास का होगा। आई होप आपको ये डाउट जो था एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर जो क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सारी चीजें पूछ सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।